अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महा सर्वत और एज अ टीवी प्रेजेंटर आप लोग मुझे सर्वत सादिक के नाम से भी जानते हैं। इससे पिछली वीडियोस जो आप लोग मेरी देख चुके हैं और पिछले इवेंट और सेशन जो हो चुके हैं उसमें हमने बात की थी हाउ टू कंट्रोल योर जेलसी और हाउ टू रिमूव योर जेलसी। जेलसी किसके अंदर नहीं होती, सबके अंदर होती है। ये जलन हसद ही हमें कहीं का नहीं छोड़ती, हमें दिन रात जलाती रहती है। खैर, इसकी बात तो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। अभी जिस टॉपिक के हवाले से मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन शख्स है जो बिजनेस पर्सनैलिटीज की लिस्ट में नहीं आना चाहता? यकीनन हर कोई बिजनेस करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि वो ब्रांड भी बन जाए। इससे पहले कि आप ब्रांड बने, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप अगर अमल करते हैं, इनिशियली स्टेप्स हैं उन पे वन बाय वन आप स्टेप पे कदम रखते जाते हैं तो आप बिजनेस की तरफ आ जाएंगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ इंसान को हिम्मत की जरूरत है। लेकिन लोग कर नहीं पाते, पहले से ही वो सोच लेते हैं कि नहीं, बिजनेस डूब जाएगा। बिजनेस डूबने की एक वजह होती है आप सारा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। सारा पैसा ना लगाइए, ये देखिए कि आपका शौक कहाँ है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपको क्या काम करने में मजा आता है, कि अगर आपको वो काम करने पे पैसे ना भी मिले तो भी आप उसको जारी रख सकेंगे। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया। मैं सून अपना ब्रांड लॉन्च करने वाली हूँ, उसका नाम वगैरह मैं आपको फिर अगली जो वीडियोज आएंगी उसमें देना शुरू कर दूंगी। लेकिन चूंकि मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ और मेरा होम बुटीक है तो इससे मेरे पास अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। तो दैट्स मीन्स कि मैं जॉब करूँ या मैं जॉब नहीं भी करूं, मेरे पास कहीं ना कहीं पैसे आते रहते हैं। और जो लोग ये काम करते हैं डेफिनेटली उनके पास ड्रेसेस तो होते ही हैं। इसी तरह आप लोग जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो खाने पीने के काम को आगे बढ़ा सकते हैं कि खाना पीना तो उनको मिलता ही रहेगा अच्छे से अच्छा, लेकिन उनके पास कमाई भी आएगी। कुछ लोग पेंटर्स होते हैं, कुछ लोग सिंगर्स होते हैं और बहुत जबरदस्त किस्म के लोग और बहुत सारे काम करना जानते हैं, तो उसको बिजनेस बनाने की कोशिश की थी विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। ये कैसे होगा? मेरा सेशन है 9 फेब को, कमिंग सैटरडे, 3:30 to 6 PM। चूंकि हमारी जो ये सारी वीडियोज हैं ये टीवी पे तो है नहीं, इस वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पे है, तो प्लीज आप इसको टिल एंड तक देखने की कोशिश कीजिए और इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप जो हैं वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कौन से एड्रेसेस हैं जिसपे आप आएंगे हमारा सेशन लेंगे। और फिर यकीनन सेशन लेने के ही अगले दिन से ही, मेरा तो ये ख्याल है कि सेशन लेने के फौरन ही बाद आपके दिमाग में अपने आइडियाज जो हैं वो यूं घूमना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ये काम स्टार्ट कर सकता हूँ। तो प्लीज हिम्मत कीजिए, पहले मेरा सेशन ज्वाइन कीजिए और उसके बाद बिजनेस पर्सनालिटीज कैसे बनते हैं हम आपको वो स्टेप्स बताएंगे। हमारे पास हमारे सेशन में एलईडी मौजूद है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियोस भी दिखाएं और बहुत सारी स्लाइड्स चलाएं ताकि आप एक पढ़े लिखे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। तो प्लीज ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि ब्रांड इज मेड फॉर पीपल कम्फर्ट्स, people comforts are not made for brands. So how to grow your own business, ये हमारा topic रहेगा। Knowledge World Skills Development Center join करना ना भूलिएगा, याद रखिएगा 9 Feb coming Saturday 3:30 to 6 PM। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जब आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लें और हमारे सेशन के अख्ताम पर जब आप घर जाएं तो आपके पास जो जो आइडियाज पहले से मौजूद है उस पर फौरन से अमल कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगेबान।